पटवारी का पेपर की डेट आगे बढ़ेगी? बढ़ चुकी है ऑलरेडी, टेंशन ना लो। पटवारी के टेस्ट चाहे वो कितने दिन बढ़े, पर इसका पेपर 15 मार्च से नहीं होगा, 15 मार्च से नहीं होगा, उसके बाद ही होगा, टेंशन ना लो। इसमें कोई बाय बाय की बात नहीं है, क्योंकि इनके पास अभी 1 मार्च से इनको अभी बर्गेक का पेपर कराना है, उसके बाद इनको समय चाहिए चीजों को, क्योंकि पटवारी के बड़ा पेपर है। तो 1 15 मार्च से नहीं होगा, बल्कि उस थोड़ा सा बढ़ा के ही होगा, चाहे कितना ही बढ़ा के पर पेपर बढ़ेगा। चलिए, ज्यादा दिमाग पर रखने का प्रयास ना करें, पेपर बढ़ेगा मतलब बढ़ेगा, चाहे 2 दिन बढ़े, 4 दिन बढ़े, 1 हफ्ता बढ़े, 2 हफ्ता बढ़े, पर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा ये मैं अपने एक अनुमान से कर रहा हूं। अनुमान का मतलब आपको पता होना चाहिए, इसका डेट ऑफ जो नोटिफिकेशन थे, डेट ऑफ एप्लीकेशन थी, ऑलरेडी बढ़ी है, तो इसकी डेट भी क्या होगी, बढ़ेगी। इसलिए सर जी आप ही यूट्यूब पे साइंस करवा दिया, अब आया साइंस का मैटर। क्या बोला था मैंने कि चौहान एकेडमी ज्वाइन करके साइंस कर लो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो चाहिए चूरन नोट्स। किसी ने लॉन्च कर दिया 99 रुपये में कोर्स, किसी ने लॉन्च कर दिया 75 रुपये में कोर्स, लगे एक दिन खुद सबने लगा चौहान सर भी 100 रुपये में को लॉन्च करेंगे। बाघ भूखा मर सकता है, शेर, बाघ हो शेर हो, इनकी एक आदत है, भूखे मर जाएंगे, घास नहीं खाएंगे। हम जो क्वालिटी पढ़ाते हैं, जो क्वालिटी कंटेंट देते हैं, उसकी मैं वैल्यू गिरा ही नहीं सकता, चाहे कोर्स लो और चाहे कोर्स ना लो, क्योंकि अपनी इमेज का सवाल होता है। ठीक है, कंपटीशन के चक्कर में लोगों ने पूरे पूरे अपने कोचिंग का सत्यानाश, ऐसी तैसी करा ली पूरी कोचिंग सेंटर्स की, पूरा कंपटीशन का तबाह कर दिया। और उनका हाल ये हुआ आजकल इंदौर में कि बहुत सारे कोचिंग सेंटर जो बढ़ के नामी कोचिंग सेंटर थे, आज ये हालात आ गए, उनको रेंट नहीं निकाल पा रहे हैं। पता है, मैं तो पूरा एमपी घूम रहा हूँ ना, मैं तो पूरा एमपी घूम रहा हूँ, इंदौर देख लिया, भोपाल देख लिया, तमाम चीज़ देख, रेंट नहीं उठा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये करतूतों के वजह से, क्योंकि एक एक क्वालिटी आप जब तक नहीं देते, कब बेवकूफ कब तक बनाओगे लोगों का? एक दिन लोगों को पता चल जाता है कि आपका जो कंटेंट है वो दम नहीं है, आउटडेटेड नहीं, आउटडेटेड हो चुके, अपडेटेड नहीं है। अब बच्चों को झूठ बोल करके कुछ मिलता नहीं है, साफ तौर पे बोलो कि तेरा सिलेक्शन नहीं होगा अगर ढंग का नहीं पढ़ेगा तो। मैंने बोला था जीके में हवा नहीं लगेगी, जैसे ढंग का पढ़ना नहीं पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो पटवारी का पेपर ऑलरेडी बढ़ेगा, इससे ज्यादा इसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, पहली बता दूं। चलो, अब उसके बाद कोई बड़ा तमगा तोपखान बने, कोई बड़ा तुम्हें से कोई हो जो कहे नहीं सर हमें जाना है, हमें ये करना है, हमें वो करना, फिर पढ़ ले। पटवारी का सुन लो क्या होने वाला है। पटवारी का एकमात्र व्यक्ति है जिसका तुम लोगों ने दिल दुखाया है, पूरे प्रदेश के बच्चों ने, वह दिनेश सिंह चौहान। जब मैं बोला था पटवारी सिलेबस बदल लेते हैं, चलो कोर्ट चल करके, तुम लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। उस दिल दुखाने का परिणाम तुम्हें मिलेगा मार्च में, बताऊंगा कैसे। इसमें क्या होगा कि जो मैनेजमेंट का जो 25 क्वेश्चन है, 10 से 12 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे तुम्हारे हवा लग जाए तो मुझे बता देना, क्योंकि मैनेजमेंट के क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा, इतना लंबा लंबा क्वेश्चन होगा, जब तक तुम पढ़ोगे तब तक ऊपर वाला ऑप्शन तुम्हारा गायब हो चुका होगा। उसके बाद इंग्लिश मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारा डर कितना है और इंग्लिश में तुम्हारी समझ कितनी है, ये मुझे अच्छे से पता है, इसमें तुम निपटना तुम्हारा तय है। 5-6 क्वेश्चन अगर ऐसे आ गए, 6 क्वेश्चन जिसमें उसने एनोनिम्स और सिनोनिम्स ही पूछ लिया, तो तुम सारे के सारे धधा जाओगे, बुरा मत मानना, तुम्हारी रियलिटी बता रहा हूं। और इसके बाद जीके क्वेश्चन, तो जीके ये तुम्हारा एक डेमो था, जीके क्वेश्चन 25 ये तुम्हारा डेमो था, जो ये बताना चाह रहा था कि ये जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं चूरण छाप नोट्स, उनसे हम कुछ नहीं पूछने वाले, हम पूछेंगे वही जो हमारा मन करेगा, अर्थात इंडिया जीके में कुछ भी पूछ सकते हैं। तो 75 क्वेश्चन तो हमारे इधर गए, 75 तो चले गए इधर, सिलेक्शन एक तरफ हो गए। अब बचा मैथ, तो मैथ में आपने देख लिया, रीजनिंग देख लिया, दोनों देख लिया आप लोगों ने, इन दोनों में ही क्वेश्चन पूछ रहा टाइम टेकिंग, जिसमें से 4 से 5 क्वेश्चन तो तुम ऐसे सोचना कि चच्चा नहीं 7 जन्म में आ जाए लोग तब भी तुमसे नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पूरा रहेगा ही नहीं, क्वेश्चन पूरा रहेगा नहीं, इतना क्वेश्चन रहेगा नहीं, क्योंकि वो उनको मुझे पता अपनी गलतियां नहीं सुधारने वाले, वो तो 4 से 5 क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, सीधे दिखेगा ही नहीं, वो आप देख लेना भी आपके। तो मैथ रीजनिंग का गेम इधर हो गया आपका, और अगर चूरण छाप नोट से साइंस पढ़ रहे होगे तो फिर वो साइंस का मैटर, साइंस को अच्छे से पढ़ो तो साइंस का मैटर। तो अभी आपके पास एक वक्त है कि अपने आप को एक्सप्लोर कर लीजिए,
अपने आप को उन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देके। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए एक किताब को सजेस्ट करना चाहूंगा, जो है चच्चू प्रकाशन की समूह दो उप समूह चार के साथ साथ में पटवारी की बेहतरीन तैयारी आप इस किताब के द्वारा कर सकते हैं। इस किताब को पढ़ने के बाद आप चच्चू प्रकाशन के ही पटवारी प्रैक्टिस सेट से अपनी बेहतरीन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और अपनी एक सीट अच्छी तरीके से पटवारी के एग्जाम में पक्की कर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश पटवारी स्टडी गाइड से तैयारी कीजिए और प्रैक्टिस सेट से अपनी प्रैक्टिस को चेक कीजिए। इसके साथ साथ में चच्चू प्रकाशन के द्वारा कुछ अन्य किताबें निकाली गई हैं जो आपके आगामी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इस किताब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप इसे अमेजन या फ्लिपकार्ट से भी मंगा सकते हैं। धन्यवाद। यहां पर टाइम टेकिंग लगता है, या कि उस सेक्शन को ही छोड़ दीजिए। दो ही तीन सब्स्टिट्यूट होता है कि जिसमें जिन चैप्टर्स में टाइम टेकिंग है तो टाइम टेकिंग को छोड़ करके उसकी जगह उसका सब्स्टिट्यूट देखिए कि सब्स्टिट्यूट उसका क्या है, क्योंकि एनी हाउ आपको 150 स्कोर करना है पटवारी के पेपर है। 20-20 लाख में बहुत सारी सीटें बिकी हैं ऐसा सुनने में आया है। 60 एक बीघा खेत की कीमत लगभग इंदौर के आसपास एक बीघा खेत की कीमत एक बच्चा बता रहा था 60 से 80 लाख रुपए होती एक बीघा खेत की कीमत उस समय। तो वो व्यक्ति बेचने आया कि अपनी जमीन एक सेठ के यहां कितने में 40 लाख में। सोचो 40 लाख में बेचने आया तो उस व्यक्ति से यह पूछा गया कि ये बताओ कि तुम 60 से 80 लाख की जमीन 40 लाख क्यों बेच रहे। बोले सर पटवारी पेपर है, बच्चे को पास कराने के लिए 20 लाख रुपए मांग रहे हैं, तो आप हमें बस 40 लाख रुपए दे दो और 40 लाख ना हो तो 20 दे दो, 20 बाद में दे देना। इस स्तर पर मरने की बात आ चुकी है हमारे पेपर की। तो तय है, मैं आपको बता ही चुका हूं कि तीन फ्रॉड पड्डा है। ऑन स्क्रीन मार्क्स व्यापम नहीं दिखाएगा आपको, कब तक नहीं दिखाएगा, जब तक तुम मरे हुए हो। जिस दिन सजग हो जाओ, क्योंकि सच ये है ऑन स्क्रीन मार्क्स उसको दिखाए जाते हैं जो जिंदा होता है, और जो जिंदा होता है वो प्रश्न करता है, मरे हुए लोग कभी प्रश्न नहीं करते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए पहला। दूसरा चीज है तो ये ऑन स्क्रीन मार्क्स दिखाएंगे नहीं, इसी पे तुम्हारा पूरा खेल होगा। नॉलेसन के नियम पर क्या करते हैं, दोगलापन करते हैं नॉलेसन नाम पर, ठीक। एक ही सीट में दो बच्चों को पेपर एक का बढ़ा देंगे मार्क्स, घटा देंगे। और इनकी एक और बहुत बड़ी गलती है जो तुम लोग कभी ऑब्जेक्शन नहीं लेते हो। क्यों तुम ऑब्जेक्शन इसलिए, क्योंकि चौहान सर अगर तुम्हें समझाता तुम्हें लगता देखो ना चौहान सर भर्ती को रोकने की बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं चाचा, तू पेपर दे, कोई दिक्कत नहीं। जानबूझ के तुम्हें दो से तीन क्वेश्चन क्या किए जाएंगे, तुम्हारे सही क्वेश्चन को या कि डिलीट किया जाएगा या सही क्वेश्चन को गलत मान लिया जाएगा और गलत क्वेश्चन को सही मान लिया जाएगा और आपको हर्जाना भुगतना पड़ेगा। आपको ये सब बोल रहा हूं अभी, तुम टेंशन, अभी आबकारी का जब रिस्पॉन्स शीट आएगी ना तो तुम देख लेना, ठीक है। ये सब बातें भी होंगी आपकी। तो ऑन स्क्रीन मार्क्स आपके कुछ थे, आपके ऑन स्क्रीन मार्क्स वाले एग्जाम 75 थे, लेकिन आपको प्रोपोजल मार्क्स दिखाएगा सिर्फ ये दिखाएगा। प्रोपोजल मार्क्स आपको दिखाएगा कि आपके थे 72 और आपको दिखाएगा नॉलेज मार्क्स दिखाएगा आपका कि हो गए आपके 70। आप कहोगे यार स्क्रीन में तो मेरे 75 थे, थप्पा कहां है बता, पूछा जाएगा प्रूफ कहां है तुम्हारे पास, प्रूफ है नहीं क्योंकि तुमने कभी ऑन स्क्रीन मार्क्स मांगे नहीं। चलिए तो ये तमाम चीजें हैं, तो अभी से अपने आप थोड़ा सा समझदारी से दिमाग पर रखेंगे कि पटवारी के पेपर को हमें सॉल्व कैसे करना है। तो पटवारी के पेपर के लिए एक चीज दिमाग रखना, एक इस पे एक विषय है मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट ये सिखाता है कि हमें बाकी पेपर को कैसे करना है। मैनेजमेंट मैथ्स में कितना कौन सा पोर्शन करना, रीजनिंग में कौन सा पोर्शन करना, मैं आपको बताया हूं। R+R रीजनिंग क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये कम से कम नहीं तो 30 से 40 मार्क्स की रीजनिंग आएगी, मतलब आएगी, ये मेरी बात लिख के रख लेना, आना तय है इसमें, ठीक। इसके बाद हमारा जो चर्चा चलती इंग्लिश की, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे वो कैब देखो, द हिंदू के बीच बीच में देखने का प्रयास करो। मेरा जो टीचर है बहुत अच्छा अंशु सर टीचर है, तो उनको बोलूंगा द हिंदू के कुछ वो कैब एरोनिम सेनिम 6 महीने पुराने द हिंदू के निकाल के आपको करा दें, वो भी ठीक रहेगा आपका। उसके बाद आपका आता है हिंदी, तो आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका आता है मैथ और रीजनिंग, आपको बता दिया। साइंस की जो चर्चा है, साइंस आपको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़नी पड़ेगी, चौहान एकेडमी के नोट्स आप लोग गवा लेना, क्योंकि वो नोट जो है एनसीईआरटी एंड आईओएस बेस नोट्स हैं। उसके अलावा आपको जो करना है आपका कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर में जो आपको झोला छाप नोट्स दे रहे हैं वो तो पढ़ ही लीजिए, क्यों, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस कंप्यूटर का अपडेटेड वर्जन पढ़िएगा, अपडेटेड वर्जन मिलेगा आपको कहां से, ऑनलाइन, ऑनलाइन कहां से, गूगल बाबा जिंदाबाद, ठीक है। उसमें पढ़ना आपको नए टाइप के रोबोट्स कहाँ हैं, नए टाइप के सॉफ्टवेयर कौन से हैं, नए टाइप के विंडो क्या है, नए टाइप के कोई जो है सुपर कंप्यूटर्स कौन से हैं, ये तमाम चीज़ों, क्योंकि आजकल इसकी बहुत रिक्वायरमेंट है। एक महीना से ज़्यादा पेपर चलेगा, उनके पास क्वेश्चन नए नए फ्रेम करके लेकर के आएंगे। ये भी देखने का प्रयास करिए कि इसरो ने हाल ही में क्या किया है, सीडेक ने हाल ही में क्या किया है,
यह देखने का प्रयास करिए कि कौन सी संस्टिट्यूशंस ने, कौन से संस्थाओं ने एक बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया है। चाइना का सुपर कंप्यूटर सबसे तेज है कि अमेरिका का सबसे तेज है कि जापान का सबसे तेज है, ये वर्तमान की चीज दिमाग रखने का प्रयास करेंगे। पूछेगा मानव क्या है, पूछेगा आपसे कि लेटेस्ट में रोबोटिक क्या है, तो रोबोट बाकी तमाम चीज जो करंट में है इश्यूज में उनको देखने का प्रयास करें। पता है चूरन छाप नोट्स पढ़ के चले जाएंगे, बस हो गया पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी तो बर्बाद होकर आ जाएंगे। ठीक है, आप ये तमाम चीजें आपको दिमाग के अभी से रखने के चलने पड़े। और इसका एक ही तरीका है, वो तरीका है कि डेली टारगेट बनाइए। ठीक है, 24 घंटे होते, मैं बता रहा हूं, मैं गारंटी देता हूं 24 घंटे में अगर तुम लोग 12 घंटे से 14 घंटे पढ़ोगे तुम्हें से कोई मरेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। मरेगा नहीं कोई, पढ़ाई करने से कोई मरता नहीं है, इश्क करने से मरता है, क्योंकि इश्क करने के बाद हाथ पैर आदमी काट लेता है, वो नहीं मिली या वो नहीं मिला तो। ठीक, ये दिमाग को रखने का प्रयास करते हैं। ठीक, पटवारी की डेट एक्सटेंड 100% हो ही गई है, कोई दिक्कत की बात नहीं, परेशान नहीं होना है, परेशान होने की कोई बात नहीं है। वो चाहे एक दिन बढ़े, दो दिन बढ़े, चार दिन पर बढ़ेगी बढ़ेगी। आइए अब तरह सही है, अब नॉर्मल पेपर नहीं, पेपर नहीं आ रहा ना, पेपर नहीं आएगा नॉर्मल पेपर, क्यों आएगा नॉर्मल पेपर, क्योंकि अब चीजें हैं। तो सर अब हमारे पास क्या विकल्प बचा, विकल्प मैं बाद बताता हूं पटवारी के पेपर के लिए, या कि अगर अभी अभी टाइम है आप लोगों को तो आज चूंकि आबकारी पेपर खत्म हो गया है, अब आज से फिर से टारगेट स्टार्ट हो जाएगा, टारगेट देना स्टार्ट करूंगा, तो अगर टारगेट बैच ज्वाइन कर सकते हो तो, कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं, ज्वाइन करना है तो करिए, नहीं करना तो मत करिएगा, ये आपकी ऊपर छोड़ दिया स्वेच्छा पर। उसमें मैंने इंडिया नोट्स डाले हैं, बहुत अच्छे हिस्ट्री के नोट्स हैं, बहुत अच्छे पॉलिटिक नोट्स हैं, बहुत गजब के नोट डाले हैं, तो टारगेट के आधार पर उसको करेंगे तो बहुत बेनिफिट रहेगा इस चीज़ का। तो टारगेट स्टार्ट करके आप लोग चाहें तो आज से टारगेट बैच डंडा लेकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, आज से शाम को टारगेट दिया जाएगा 12 से 14 घंटे का, पढ़ने का अगर कुबड़ हो दम हो तो पढ़िएगा। दूसरी चीज़ रहा सवाल कि सर क्या 20 लाख रुपए में सेटिंग कर ले पटवारी की, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 20 लाख कमाने में तुम्हारी आधी उम्र निकल जाएगी पटवारी में,